CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये एक सरकारी कोर्स है जो कि NILET के द्वारा कराया जाता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स और इसकी फीस 590 रुपीज है। CCC कोर्स करके कंप्यूटर की काफी नॉलेज हो जाती है। और अगर वैल्यू की बात करें तो CCC कोर्स की बहुत वैल्यू है। CCC कोर्स को आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट जॉब में लगा सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी सरकारी जॉब्स तो ऐसी है जिसमें CCC कोर्स मैंडेटरी है। अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो जॉब्स आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी मौका मिले आपको CCC कोर्स कर लेना चाहिए। CCC में एडमिशन लेना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, रिजल्ट देखना, यहाँ तक के सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक का प्रोसेस ऑनलाइन है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ CCC का एडमिशन से लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक का पूरा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। student.nilet.gov.in ये NILET की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप CCC के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। CCC अप्लाई करने के लिए आपको यहां अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। इसमें यहां पर आपको चूज कर लेना है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आप इनको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे और आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। इसमें पहले आप चूज कर लेंगे क्या आपने पहले CCC के लिए अप्लाई किया है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, वरना नो चूज करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना टाइटल चूज करेंगे और यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ केयर ऑफ में आप चूज कर लेंगे पेरेंट्स या गार्जियन, जो भी आप चूज करेंगे। यहाँ पर आप डालेंगे फादर नेम, यहाँ पर आप डालेंगे मदर नेम, जेंडर यहाँ पर आ गया है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी चूज कर लेंगे, ऑक्यूपेशन यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। अगर आप में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो आप यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स फिल करनी होगी जिसमें आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। नीचे यहाँ पर आप एजुकेशन चूज कर लीजिए, आपने कितनी एजुकेशन ली हुई है, जैसे कि हम चूज कर लेते हैं ग्रेजुएट और हायर। लास्ट कोर्स आपने किस साल में पास किया था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नीचे आ जाइए एग्जामिनेशन डिटेल्स। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको इंस्टीट्यूट चूज करना होगा। यहाँ पर आप स्टेट चूज कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट चूज कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट में फर्क ये है कि अगर आप डायरेक्ट चूज करेंगे तो आपको फीस खुद से यहाँ ऑनलाइन पे करनी होगी, और अगर आप इंस्टीट्यूट चूज करेंगे तब आपको फीस इंस्टीट्यूट में पे करनी होगी और इंस्टीट्यूट NILET को पे करेगा। दूसरा फर्क ये है कि जब आप इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट पर उस इंस्टीट्यूट का नाम भी आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम साइकिल चूज कर लेंगे एवरी मंथ और यहाँ पर नवंबर 2020। जैसे कि अभी हम एडमिशन ले रहे हैं तो हमारा एग्जाम आएगा नवंबर 2020 में। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन लोकेशन चूज करनी होगी, जिसमें आपको 2 लोकेशन देनी होती है। पहले मैं चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर सिटी चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड चूज कर लेंगे और यहाँ पर कोई सेकेंड सिटी चूज कर लेंगे। तो इन दोनों लोकेशन में से किसी एक लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर आएगा। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आधार कार्ड डाल दीजिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो ये मैंडेटरी भी नहीं है। इसके बाद आपको एक फोटो अपलोड करना होगा। नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और यहाँ पर आपको बाएं हाथ के अंगूठे का एक निशान अपलोड करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फिंगरप्रिंट भी लिया हुआ है, फोटो और सिग्नेचर भी पहले से ही स्कैन करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। पहले यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर बाएं हाथ के अंगूठे का फिंगरप्रिंट यहाँ अपलोड कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे और डिक्लेरेशन देंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएगी। ये आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा जिससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी। CCC के लिए आपको 590 रुपीज का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा कोई और चार्जेस नहीं है।
आप यहां ऑनलाइन NEFT RTGS के थ्रू भी पे कर सकते हैं और आप यहां ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन चूज करेंगे पे ऑनलाइन। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड, UPI किसी भी तरीके से यहां पर 590 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डेबिट कार्ड के थ्रू करना है तो आप यहां डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, CVV और कार्ड होल्डर का नेम डालकर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक OTP आएगा, आप वो OTP डालकर सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी, जिसके लिए आप ईशान गुरु चैनल से भी कर सकते हैं। ईशान गुरु चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ईमेल। ये सभी वही टॉपिक्स हैं जो कि CCC में आते हैं, तो आप इन सब वीडियोस को देख लेंगे तो आप कंप्यूटर चलाना अच्छे से सीख जाएंगे। इसके अलावा ईशानगुरु.com पर आपको यहाँ पर एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिनकी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप इनके आंसर देते जाएंगे तो इससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि CCC में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें आपको 4 में से कोई एक आंसर चूज करना होता है। आपको टोटल 100 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए आप यहां डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप चूज कर लेंगे CCC। अब यहां पर आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि आपको वहां पर सोशल डिस्टेंस रखना है, अपने हाथों को धोते रहना है, वहां पर आपका चेकअप भी हो सकता है और अगर आप में कोई लक्षण पाए गए कोरोना के तो आपको वापस भी भेजा जा सकता है और आपके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो ये सब गाइडलाइंस है, आप यहाँ पर रीड कर लीजिए, इसके बाद एग्री। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पहले आप एग्जामिनेशन ईयर चूज करेंगे, इसके बाद एग्जामिनेशन नेम चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे और व्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एडमिट कार्ड की डिटेल्स आ जाएगी। आप यहाँ प्रिंट एडमिट कार्ड पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करेंगे। इसमें आपके एग्जाम की डेट और टाइम भी होता है और साथ ही इसमें सेंटर का नाम भी लिखा हुआ होता है कि ये एग्जाम आपको कौन से सेंटर पर देना है। जैसे कि इनका एग्जाम इस सेंटर पर हुआ था और यहाँ पर डेट और टाइम भी दिया गया है। एग्जाम क्लियर करने के बाद आप रिजल्ट भी ऑनलाइन देख सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ व्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप चूज कर लेंगे CCC। इसके बाद यहाँ पर आप बाय रोल नंबर, बाय कैंडिडेट नेम या बाय एप्लीकेशन नंबर भी रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बाई एप्लीकेशन नंबर देख लेते हैं, एग्जामिनेशन ईयर चूज करेंगे, कब आपने ये एग्जाम दिया था, यहाँ पर एग्जामिनेशन नेम चूज करेंगे, किस महीने में आपने ये एग्जाम दिया था, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और व्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ग्रेड से ये पास हुए हैं। नीचे आप समझ सकते हैं कि किस ग्रेड का क्या मतलब है, तो यहाँ से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट पर क्लिक करके। इसके बाद अपना सर्टिफिकेट भी आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा। एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ आप चूज कर लेंगे रेगुलर सर्टिफिकेट, इसके बाद यहाँ पर कोर्स में आप चूज कर लेंगे CCC, इसके बाद ईयर चूज कर लेंगे आपने ये CCC कोर्स किस साल में किया था और यहाँ पर आप चूज कर लेंगे मंथ, किस मंथ में आपने एग्जाम दिए थे। यहाँ पर आपको डालना होगा रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कोर्स की डिटेल्स आ जाएगी। आप यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना CCC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट जॉब में लगा सकते हैं। ये है CCC सर्टिफिकेट। इसमें यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम और साथ ही इंस्टीट्यूट का नेम दिया गया है जिसके थ्रू ये कोर्स किया गया है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और अब आप समझ गए होंगे कि CCC क्या है, CCC कोर्स कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।